से नहीं है छत्तीसगढ़ में, तो आप गुजरात पहुंच रहे हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, क्या ही जानकारी, शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। अगली खबर है रायपुर से, जहां पर नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस नेतृत्व को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं, हरियाणा के विधायकों को पर्यटन कराने लाया गया, विधायकों को यहां लाने से कोई फायदा नहीं, जिन विधायकों को क्रॉस वोटिंग करना है वो होकर रहेगी, सीएम बघेल को पर्यवेक्षक बनाने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। कांग्रेस के नेतृत्व को या कांग्रेस के नेताओं को अपने विधायक के ऊपर भी भरोसा नहीं है और विश्वास खो चुके हैं, इसलिए उनको जनप्रतिनिधियों के ऊपर भरोसा नहीं है और जनप्रतिनिधि को अपने पार्टी के ऊपर भी भरोसा नहीं है, भयभीत हैं। और उसके कारण में यहाँ पर्यटन कराने के लिए लाए हुए हैं, यहाँ लाने से इन्हें कोई फायदा होने वाला है मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। जो यदि ठान लिए हैं कि क्रॉस वोटिंग करेंगे तो क्रॉस वोटिंग होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देवव्रत भग्गे जुड़ गए। देवव्रत, नेता प्रतिपक्ष साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहां पर लाने से, उनको समझाने से कोई फायदा नहीं है, यदि क्रॉस वोटिंग होना होगी तो क्रॉस वोटिंग हो जाएगी। जी बिल्कुल, और क्योंकि जिस तरह से ये देखा जा रहा था कि हरियाणा के जो विधायक हैं वो रायपुर पहुंचे और एक तरह से हरियाणा की सियासत में छत्तीसगढ़ की भी एंट्री से मानी जानी चाहिए, और उसके ठीक बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो हरियाणा के पर्यवेक्षक बना दिए जाते हैं। और अब तक के आरोप बीजेपी पर ये लगते रहे हैं कि विधायकों को खरीदने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है, कांग्रेस द्वारा लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है। और इस बीच नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का ये बयान आता है कि हरियाणा के जो विधायक हैं उनको यहाँ पर पर्यटन करने के लिए सरकार लेकर आई है, लेकिन विधायकों को लाने से यहाँ पर कोई फायदा जो है वो कांग्रेस को नहीं होने वाला है। अगर विधायकों ने ठान लिया है कि क्रॉस वोटिंग करना है तो क्रॉस वोटिंग होकर रहेगी। हालांकि जो जिस तरह के आरोप बीजेपी पर लग रहे थे उन आरोपों को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने अपने विधायकों को कैद नहीं किया, बल्कि बीजेपी को मतदाताओं पर भरोसा है और ऐसी स्थिति में बीजेपी का इस पूरे घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह की स्थिति अभी फिलहाल देखने को मिली कि रायपुर के एक निजी होटल में हरियाणा के तमाम जो विधायक हैं वो ठहरे हुए हैं, इसे लेकर के अब छत्तीसगढ़ की सियासत में भी बयानबाजियों का दौर जारी है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है और बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर पलटवार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी के लिए। अगली